अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां से एक दुखद घटना सामने आई है। राजनांदगांव के चमार राय गांव में एक शादी समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पड़ोस की महिला अपने 3 साल के बच्चे खुशांत को लेकर आ गई थी। इसी दौरान बच्चे ने स्टेज पड़े ड्राई आइस को खेल में बर्फ समझकर खा लिया, जिसके बाद खुशांत की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ड्राई आइस का उपयोग शादी में स्टेज या शूटिंग में फॉग पैदा करने के लिए किया जाता है, जिससे वीडियो शूटिंग और भी आकर्षक हो जाती है। लालबाग थाना के TI नंद किशोर ने बताया कि खुशांत ने धुआं पैदा करने वाले ड्राई आइस को खा लिया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इसके बाद बच्चे के चाचा माखन साहू ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। तारीख 3.5 साल का छोटा बच्चा है, मेरे घर का बच्चा है, उसका नाम है खुशांत साहू। यहाँ इवेंट देखने के लिए आया रहा, उसके अपने मम्मी के साथ आया था। तो इवेंट चलने के दौरान यहाँ ड्राई आइस वगैरह जो होता है, धुआं निकलने वाला, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, रिसेप्शन के टाइम जो करते हैं ना अपना धुआं निकलने वाला, उसको यूज़ किए थे लोग। और वो क्या हुआ कि इधर उधर बिखरा पड़ा था, बच्चे को थोड़ी पता है कि वो खाने का आइटम है या क्या है क्या है, वो बर्फ समझ के उसको खा लिया। और जैसे ही वो घर में गया, घर में जाते ही 5 मिनट नहीं हुआ उसको, उसका डेथ हो गया, पूरा शरीर सुन पड़ गया उसका। लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चमार राव टोला गांव में एक शादी समारोह था, जिसमें सुशांत साहू 3 वर्ष का अपनी माँ के साथ में शादी समारोह में गया हुआ था। वहाँ पर शादी समारोह में इवेंट के बाद में ड्राई आइस के टुकड़े पड़े हुए थे जमीन पर बहुत सारे, जिनमें से उठा करके उस बच्चे ने खा लिया। और खाने के बाद में वो घर गया, जब वह घर पहुँचा तो घर में जाकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसके घर वालों ने 112 को कॉल किए, 112 की गाड़ी पहुंची और बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने चेक करने के बाद में बच्चे को मालूम